तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उर्दू ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एपिसोड 6 है। आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि एपिसोड 5 के बाद अब नेक्स्ट एपिसोड नहीं आएगा, लग रहा है एपिसोड 5 ही लास्ट एपिसोड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस एपिसोड 6 में हम लोग उर्दू ग्रामर के 20 नए क्वेश्चन करने वाले हैं, और आप सभी लोग 20 में 20 सही करने के लिए तैयार हो जाइए, चाहे आप क्लास 10th के विद्यार्थी हों, चाहे आप क्लास 12th के विद्यार्थी हों, या फिर 10th 12th के अलावा किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये जो उर्दू ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एपिसोड चल रहा है, आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए ज़्यादा बात ना करते हुए, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। उसके अलावा आज के इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जितना ज़्यादा हो सके, और स्टेटस ज़रूर लगाएं आज के इस वीडियो को, अपने मोबाइल पर स्टेटस ज़रूर लगा दें, ताकि आप लोग के कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज के इस वीडियो में जो 20 क्वेश्चन करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए आसान लगेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप लोगों के लिए हो सकता है कि टफ लगें, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा कर आंसर बताऊंगी। और एकदम बीस ये एकदम नया नया एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ज्ञापन एकेडमी मुस्कान मैम यानी कि हमारे द्वारा ये सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है, और इसका PDF जो है ना आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहला सवाल, अब आप लोग फटाफट अपने हिसाब से आंसर बताने की कोशिश करें, और इन द लास्ट आप लोग बताइएगा कि आप 20 में कितना सही कर पाए हैं अपने हिसाब से। सबसे पहला सवाल कि तलफ़ुज़ के लिहाज से वाव की कितनी किस्में हैं। हर्फ की किस्में जब मैं आप लोगों को उर्दू ग्रामर में पढ़ा रही थी तो उसमें बताई थी अलिफ की किस्में, वाव की किस्में, हे की किस्में, ठीक है। तो अब वाव की कितनी किस्में हैं तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनंसिएशन के लिहाज से आप बताएं। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट बता दें। वाव की मैं आप लोगों को बता दूँ तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनंसिएशन के लिहाज से 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादोला, ठीक है। वाव मादोला किसे कहते हैं, जो जिस वाव को पढ़ा ना जाए सिर्फ लिखा जाए, जैसे कि ख्वाहिश लिखा जाता है ना, ख्वाहिश, लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं, ख्वाहिश पढ़ते हैं। ख्वाब लिखा जाता है लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ख्वाब पढ़ते हैं। इस ये जो वाव है ये साइलेंट हो जाता है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह के वाव को कहते हैं वाव मादोला, ठीक है। तो इस तरह वाव की 3 तरह की किस्में हैं, कौन कौन सी अगर आप लोग नहीं पढ़े तो वीडियो, इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक को पढ़ लें। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, दर्ज़ैल में कौन सा मुअन्नस लफ्ज़ है। ऑप्शन ए में है अजाब, बी में है आशियाना, सी में है हम्द और डी में है सुबह। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, तुम पर अजाब नाजिल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये मुअन्नस लफ्ज़ नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए कट हो गया। आशियाना ये हमारा आशियाना है, तो आशियाना भी मुज़क्कर लफ्ज़ है, मुअन्नस नहीं है। हम्द भी जो ये लफ्ज़ है ना ये भी मुज़क्कर लफ्ज़ है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, सुबह हो गई, हो गया नहीं, सुबह हो गई। तो सुबह ये जो लफ्ज़ है ये एक मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग लफ्ज़ है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल है कि दर्ज़ैल में से मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए में है आदत, बी में है अकल, सी में है दर्द और डी में है दौलत। तो मुज़क्कर लफ्ज़ यानी कि अब यहाँ पर पुल्लिंग लफ्ज़ की आप लोगों को निशानदेही करनी है, बता दें इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आदत, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब है, तो आदत ये लफ्ज़ जो है ना ये मुअन्नस लफ्ज़ है, ये मुज़क्कर तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए कट मारी है तुम्हारी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना अकल, अकल भी एक मुअन्नस लफ्ज़ है अगर बात करूँ तो, अकल से काम लो, किस तरह का सेंटेंस बनेगा, अकल, अकल मतलब ये ध्यान रखिएगा, अकल ये लफ्ज़ है ना ये भी एक मुअन्नस लफ्ज़ है, ठीक है। और दौलत, दौलत भी एक मुअन्नस लफ्ज़ है, स्त्रीलिंग लफ्ज़ है। मुझे दर्द हो रहा है, ये जो लफ्ज़ है ना ये एक
मुजक्कर लफ्ज़ है यानी कि पुल्लिंग लफ्ज़ है, दर्द लफ्ज़ मुअन्नस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रही है नहीं, दर्द हो रहा है, हम लोग इस तरह ना बोलते हैं। तो थ्री का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर कि दर्ज ज़ैल में हरूफ मुरक्कब की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए में है अलिफ, बी में है बे, सी में है झे और डी में है दाल। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? हरूफ मुरक्कब, हरूफ मुरक्कब किसे कहते हैं? हरूफ मुफ़रद, जैसा कि मैं आप लोगों को हरूफ की किस्में में ही पढ़ाई थी, ठीक है, वह इसलिए इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग अगर ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो हरूफ की किस्में, हरूफ की किस्में बाई मुस्कान मैम, MUSK डबल ए ज़रूर दीजिएगा, बाई मुस्कान मैम लिख कर सर्च करेंगे ना तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर मैं हरूफ की किस्में बताई थी, हरूफ के अलग अलग टाइप, अलिफ की किस्में, वाव की किस्में, हे की किस्में, ठीक है, यहाँ तक हरूफ मुरक्कब, हरूफ मुरक्कब और हरूफ मुफ़रद किसे कहते हैं, ये हर एक चीज़ आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं कि दर्ज ज़ैल में हरूफ मुरक्कब की पहचान करनी है, तो हरूफ मुरक्कब किसे कहते हैं? हरूफ मुरक्कब उस हरूफ, उस हर्फ को कहते हैं, उस लेटर को कहते हैं जो लेटर दो हर्फ से मिलकर बना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये अलिफ अकेला है, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं क्योंकि ये अकेला हर्फ है, बे भी एक अकेला हर्फ है, बे भी नहीं होगा, दाल भी एक अकेला हर्फ है, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर बात की जाए झे की, तो देखिए इसमें दो हर्फ है, एक तो जीम है और प्लस हे है, ठीक है, जीम और हे, ये दोनों से मिलकर बना है ये झे। तो जो हर्फ दो हर्फ से मिलकर बना हो उस तरह के हर्फ को कहा जाता है हरूफ मुरक्कब। तो बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, झे, ठीक है। और हरूफ मुफ़रद किसे कहते हैं? जो अकेला हर्फ हो, जैसे कि अलिफ, बे, दाल, जीम, ठीक है, ये सभी हर्फ हरूफ मुरक्कब कहलाएंगे। और जो हर्फ दो हर्फ से मिलकर बना हो उस तरह के हर्फ को कहा जाता है हरूफ मुरक्कब, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर फाइव है कि लफ्ज़ शबाब का क्या मानी है। ऑप्शन ए में है जवानी, बी में है सख्त, सी में है बेवफा और डी में है लाजवाब। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? शबाब का मानी होता है जवानी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दर्ज ज़ैल में हरूफ गैर मनकूत की पहचान करें। ऑप्शन ए में है बे, बी में है जीम, सी में है दाल और डी में है गैन, ठीक है। तो बता दे इसका सही आंसर क्या होगा, ये भी हरूफ की किस्में से ही पूछा है। हरूफ गैर मनकूत किसे कहते हैं? उस तरह का हर्फ, उस तरह का लेटर जिस पर कोई नुक्ता, कोई बिंदु ना हो, उस तरह के हर्फ को कहते हैं हरूफ गैर मनकूत। बे में देखिए नीचे नुक्ता है ना, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। जिम में नुक्ता है ना यहाँ पर बीच में, तो ये भी नहीं होगा। गैन में भी नुक्ता यानी कि बिंदु है, ये भी नहीं होगा। लाम में नुक्ता नहीं है, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यही है हरूफ गैर मनकूत, ठीक है। हरूफ गैर मनकूत उसी को कहते हैं जिस हर्फ, जिस लेटर पर नुक्ता ना हो, और जिस हर्फ पर नुक्ता हो उसे कहते हैं हरूफ मनकूत, याद रखना है हरूफ मनकूत, ठीक है। कैसे कभी कभी मैं ऐसा लिखती हूँ फिर वो ना आ जाता है, हरूफ मनकूत, ठीक है, ये हो गया। हरूफ मनकूत किसे कहते हैं? जिस हर्फ पर नुक्ता हो, और हरूफ गैर मनकूत जिस हर्फ पर नुक्ता ना हो, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है कि ज़ैल में हरूफ मनकूत की पहचान कर लीजिए। क्वेश्चन तो पूछ ही दिया, ऑप्शन ए में है अलिफ, बी में है लाम, सी में है हे और डी में है खे, आसानी से बता सकते हैं हरूफ मनकूत यानी कि जिस हर्फ पर नुक्ता हो, और ऑप्शन नंबर डी, देखिए खे में नुक्ता है ना ऊपर, तो इसको धीरे से टिक कर दें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है कि उर्दू कवायद का वाहिद हिस्सा जिसमें हरूफ तहजी के मुतालिक मालूमात फ्राहम कराई जाती है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है इल्म उरूज, बी में है इल्म सर्फ, सी में है इल्म हिज्जा और डी में है इल्म नहु। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को आप लोगों को समझा देती हूँ मैं। उर्दू कवायद का वह वाहिद हिस्सा यानी कि उर्दू कवायद का, उर्दू ग्रामर का वह हिस्सा जिसमें हरूफ तहजी के मुतालिक मालूमात फ्राहम कराई जाती है, यानी कि जिसमें सिर्फ हम हर्फ यानी कि लेटर के बारे में पढ़ते हैं,
उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें सिर्फ हम लेटर यानी कि हर्फ के बारे में पढ़ते हैं, उस तरह के हिस्से को हम क्या कहते हैं, ये आप लोग को बताना है। इल्म उरूज कहते हैं कि इल्म सर्फ कहते हैं कि इल्म हिज्जा कहते हैं कि इल्म नहव कहते हैं, ये आप लोगों को ये भी पढ़ाई हूँ मैं ऑलरेडी। तो आप लोगों को बहुत बार मैं बताई हूँ कि उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत और इल्म उरूज। ठीक है, इल्म हिज्जा उस तरह के, इल्म हिज्जा के अंदर यानी कि उर्दू कवायद का जो पहला हिस्सा है इल्म हिज्जा, इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हर्फ यानी कि लेटर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हरूफ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम कराई जाती है इल्म हिज्जा के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बाकी इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ में हम लोग लफ्ज़ के बारे में पढ़ते हैं, इल्म नहव में हम लोग जुमले के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को आप जानते भी होंगे। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में लेकर बता दीजिएगा कि कितने लोग जानते हैं और ये टॉपिक पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इस्म मारफा की पहचान करें, यानी कि इस्म मारफा जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, हिंदी में कहते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा, जो कि किसी स्पेशल नाम को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है कलम, बी में है फल, सी में है महल और डी में है ताजमहल। क्या होना चाहिए सवाल का सही जवाब? किसी भी स्पेशल यानी कि ख़ास नाम को इस्म मारफा कहते हैं। तो कलम तो कोई स्पेशल नाम नहीं है, एक आम नाम है जिसमें सभी तरह के कलम आ जाएंगे, किसी भी कंपनी, किसी भी कलर का कलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट कर दीजिए। फल में कोई भी फल हो सकता है, आम, संतरा, नींबू, केला वगैरह, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। महल में भी कोई महल हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, लेकिन महल में एक खास महल का नाम ले लिया गया है ताजमहल, तो ये हो जाएगा इस मार्क का, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल कि इस नकरा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 7। तो इस नकरा को इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन नाउन और हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसी भी कॉमन आम नाम को जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, इस्म नकरा कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, इस्म नकरा नहीं पूछा है, इस्म नकरा की कितनी किस्में हैं ये पूछा गया है, कितने टाइप हैं, कितनी किस्में हैं। तो आप लोगों को मैं बताई होंगी, याद कीजिए, सोचिए सोचिए इस्म नकरा की कितनी किस्में हैं। इस्म नकरा की टोटल 5 किस्में हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब वो कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख कर बता दीजिए ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दर्ज़ ज़ैल में इस मुकब्बर की निशानदही कीजिए। मुकब्बर का मतलब क्या होता है, बड़ा किया हुआ, जिस नाम से बड़ापन जाहिर हो उस तरह के नाम को कहेंगे हम लोग इस मुकब्बर। ऑप्शन ए में है दरीचा, बी में है बाग, सी में है डिबिया, सी में डी में है कटोरी। तो दरीचा तो होगा नहीं, छोटापन जाहिर हो रहा है, कटोरी से भी छोटापन जाहिर हो रहा है, डी भी नहीं होगा, डिबिया से भी छोटापन जाहिर हो रहा है, सी भी नहीं होगा। बाग एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे बड़ापन जाहिर हो रहा है कि बागीचा से बाग बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस मुकब्बर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि कदीम के मानी क्या हैं। ऑप्शन ए में बहादुरी, बी में पुराना, सी में नया और डी में ज़माना। तो कदीम का मतलब होता है पुराना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा, जदीद का मतलब होता है नया, कदीम और जदीद एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, नया और पुराना एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि उर्दू ज़बान में हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है। ऑप्शन ए में है 36, बी में है 15 और सी में है 51 और डी में है 48 यानी कि 48। इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। उर्दू ज़बान में वैसे तो कभी कभी 52 बताया जाता है, कभी कभी 51 बताया जाता है, लेकिन 51 ही करेक्ट है। उर्दू ज़ुबान में जो हरूफ तहज्जी यानी कि अल्फ़ाबेट में जो लेटर हरूफ की जो संख्या है, तादाद, वो टोटल 51 है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी कभी 52 भी लिखा रहता है, लेकिन जो करेक्ट होता है, मतलब आप यूँ कह सकते हैं जो सही है 100%, वो 51 ही माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि ज़मान व मकान का नाम किस में होता है। ऑप्शन ए में है इसमें कीफियत, बी में है इस मुकब्बर, सी में इसमें फ़ाइल और डी में इसमें ज़र्फ। तो ज़मान व मकान यानी कि वक्त और जगह का नाम किस में होता है, तो इसमें ज़र्फ में होता है, ज़मान व मकान का नाम। ठीक है, क्या कहलाएगा, इसमें ज़र्फ कहलाएगा, जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है, रात, ये सभी क्या है, वक्त का नाम है। और मकान हॉस्पिटल हो, ठीक है, मदरसा हो, मस्जिद हो, ये मकान का नाम है। तो इस तरह के क्या कहेंगे हम लोग, इस तरह के नाम को इसमें ज़र्फ कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है
तो यहाँ पर ध्यान दे, लफ्ज़ रहमत का मानी जो है ना होता है दया, यानी कि रहम। तो ऑप्शन ए में है इज्जत, आराम, जिल्लत, तकलीफ़, ये चारों में से कोई नहीं है। मतलब कि ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है। लफ्ज़ रहमत नहीं, जहमत की बात की गई है, जहमत का मानी पूछा गया है। थोड़ा उर्दू टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पर जेज रहे से जहमत, ठीक है। लफ्ज़ जहमत का मानी आप लोगों को बताना है कि जहमत का मानी क्या है। अब बताएं, ऑप्शन ए में इज्जत, बी में आराम, सी में जिल्लत और डी में है तकलीफ़, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर गलत टाइप हो गया था। जहमत का मानी होता है तकलीफ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि या अल्लाह में अल्लाह क्या है। ऑप्शन ए में है इसमें मौसूल, बी में है इसमें मुनादा, सी में इसमें मुजाफ और डी में है इसमें माऊद। तो या अल्लाह में अल्लाह, अल्लाह को पुकारा जा रहा है। आप लोग को याद होगा इसमें की कुछ मैं पढ़ा रही थी तो बताई थी कि जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए उसको हम लोग कहते हैं इसमें मुनादा। तो या अल्लाह में अल्लाह को पुकारा जा रहा है तो अल्लाह क्या कहलाएगा, इसमें मुनादा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिए, ये टॉपिक आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं ना तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिए, जिसको पुकारा जाए उसको तो हम लोग इसमें मुनादा कहते हैं, लेकिन जिस लफ्ज़ के ज़रिए पुकारा जाए उस लफ्ज़ को हरफ निदा कहते हैं, हरफ निदा कहते हैं। जैसे कि अल्लाह को तो पुकारा जाए तो अल्लाह हो गया इसमें मुनादा, लेकिन या लफ्ज़ के ज़रिए पुकारा जाए ना या अल्लाह, तो या लफ्ज़ जो है ना ये कहलाएगा हरफ निदा, यानी कि या जो ये हरूफ है इसको हम लोग कहेंगे हरफ निदा, हरूफ निदा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पुकारा ए लड़के, ठीक है, तो ए लड़के, लड़के को तो पुकारा जाए तो लड़का हो जाएगा इसमें मुनादा और ए हो जाएगा हरफ निदा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि ज़ैल में से मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए में है इज़्ज़त, बी में इंसाफ, सी में है मजमून और डी में है फैसला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारी इज़्ज़त प्यारी है, ठीक है, प्यारा है नहीं, ठीक है, या फिर तुम्हारी इज्जत चली गई, ठीक है। तो इज्जत लफ्ज़ जो है ना ये भी स्त्रीलिंग लफ्ज़ यानी कि मुअन्नस लफ्ज़ है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मोमिन का ज़िद क्या होगा। मोमिन का ज़िद यानी कि अपोजिट वर्ड। ऑप्शन ए में हैवान, बी में है मशरिक, सी में काफिर और डी में अहमक। तो ऑफकोर्स मोमिन का जो ज़िद होगा वो होगा काफिर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मंदरजा ज़ैल में से जमा लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए में मरहला, बी में है खसलत, सी में अल्ताफ और डी में है कीफियत। तो डायरेक्ट दिख जा रहा है इसमें से इन चारों लफ्ज़ में से जमा लफ्ज़ यानी कि प्लूरल बहुवचन लफ्ज़ कौन सा है। जी हाँ, अल्ताफ। अल्ताफ जो है ना ये लुत्फ का जमा है यानी कि बहुवचन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, लास्ट सवाल कि दर्ज ज़ैल में से वाहिद लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। वाहिद लफ्ज़ आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है अनासिर, बी में असनाफ, सी में हालात और डी में है अदीब। तो इन चारों लफ्ज़ में से जो वाहिद लफ्ज़ है ना वो है अदीब, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी लोग अपने हिसाब से कितना सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और उसके बाद से आज के इस वीडियो में जो कुछ भी समझाया गया है, समझ में आया है एंड क्वेश्चन करने में मज़ा आया है, देन वीडियो को लाइक करें। अभी तक लाइक नहीं किया है तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर जितना ज़्यादा हो सके ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे उतना ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। और उसके बाद से समझाया गया है, समझ में आया तो देन कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताएं कि हमें चीज़ें समझ में आई है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे फिर से 20 क्वेश्चन के साथ एपिसोड 7 में, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि अभी एपिसोड नहीं चलेगा, बेशक चलेगा, थोड़ी सी लेट हो रही है क्योंकि आप लोग जानते हैं कंटेंट वगैरह बनाने में लेट होती है। थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा, मैं आप लोग को पहले ही बताई हूँ हमारी एंट्री भले ही यूट्यूब पर थोड़ी लेट होती है लेकिन सबसे ग्रेट होती है, कॉन्टेंट एकदम ज़बरदस्त होता है। तो क्वेश्चन इस एपिसोड में बने रहना है और सारा का सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।